ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है भाई? तो अभी भाई लोग, ये खाद का ट्रैक्टर जा रहा है, हम अपने खेतों में गोबर का खाद लगवा रहे हैं। और जो है ये मतलब अलग से मंगवाया है, पैसों से खरीदवा के, ये खरीदा हुआ खाद है। और अब देखते हैं, आपको दिखाता हूँ खेतों ले आके किस तरीके से खलता है। ये अपने आलू के खेतों के अंदर खलाया जा रहा है, जॉन डियर ट्रैक्टर है, देख रहा भाई किस तरीके से अपने खेतों में चलता है। अपने खेतों में साइल लगा हुआ है और आलूओं के खेत है, ये बहुत भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक भर रहा है। ऊपर देखो वो भी लग रहा है, जाल लगा हुआ है, जाल के ऊपर पल्लड़ लगा हुआ है, पल्लड़ से ढका हुआ, फिर भी बहुत पूरा भर रहा है ऊपर तक ये। और आपको खेत में ले जाके दिखाता हूँ किस तरीके से ये ट्रैक्टर चलता है और कैसे तरीके का खाता है। ये देखो इस तरीके से पहले आ चुका है, इस तरीके से खला के जा रहा है एक एक ट्रॉला को। ये देखो ये भी अपने खेत है, जितने के अंदर भी जितना आपको खाद दिख रहा है, इसी तरीके से अब और खेतों के अंदर भी खाद लगवाएंगे। ये देखो भाई, ये कितना ऊंचा खड़ा होकर चलता है ट्रैक्टर, एकदम सीधा। ये देखो भाई किस तरीके से चलता है, क्योंकि इसका जो हुक है ना, इस ट्रैक्टर का, इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है, ज्यादा हुक थोड़ा होने के कारण। ये देख लो भाई, ये जो ट्रैक्टर है जॉन डियर है और फुल गोबर से भरा हुआ, मतलब ऐसे गोबर से, और ये बहुत उठता है। अगले वाले खेत में आएगा ये, 53 है, 53। भाई ये बहुत खतरे का ट्रैक्टर है, मतलब इस तरीके से ट्रैक्टर उठता है ना, तो ये बहुत खतरे वाली चीज होती है ड्राइवर के लिए। अभी देखो आ चुका है ये, वो तो ये मान लो ना, ये लीक जो है पक्की है, पहले बहुत दिन आ चुका है ये, तो भाई ये बहुत उठता था, बहुत ज्यादा। देखो इस खेत में आ चुका है, अब यहाँ पे इसको खिलाएंगे। देखो भाई ये यार, एक तो ड्राइवर भी पक्के दिल का होना चाहिए ऐसी चीज के लिए। तो अरे कहाँ ले जाए भैया, अच्छा लौट आके लाएंगे घुमा के। ओ भाई देखो कितना उठ रहा है, देखो मोड़ने में भी मतलब ब्रेक मार रहे हैं भैया पूरी। ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है भाई? और तेरी के भाई ज्यादा ही उठ रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा भाई। भाई साहब, भाई इस चीज को करने के लिए भी भाई ड्राइवर के अंदर भाई जिगरा होना चाहिए। अभी आ चुका अपनी लोकेशन पर, यहाँ पे खलने वाला है, खिला दो। अब तो ये जैक के थ्रू उठा देंगे इसको पूरे को। Boa.
इतना भाई एक ही चक्कर लगा पाते होंगे। कौन सा रास्ता पे क्या होता है गिलास है सड़े से रास्ता पे थे ही। भाई ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया है और इधर जो है पीछे इसके जैक वैक को डाले को खोल गए पूरे को, नट बोल्टों से खोला था। अब देखना भाई इसके अंदर मैंने पहले देख रखा है, एक चीज़ होती है जैसे कि डाले को उठा देंगे ना तो ये जो गोबर जो है तब ज़्यादा चिपका हुआ है क्योंकि बहुत दूर से आया है ये, मतलब 20-25 किलोमीटर दूर से आया है तो अंदर जो है जम जाता है एकदम, तो ये देखो ऐसे गिर नहीं पाता पीछे। तो इनका जो हुक है ना इसमें जो ट्रोला भाई ऊपर को हो जाएगा देखना, मतलब हुक की ऊपर साइड आकर अटक जाएगा, ट्रैक्टर को जो है लगभग उठा देगा पीछे से, उठाएगा नहीं तो उधर टायरों पर जोर भी नहीं रहता इतना, जिसके कारण जो ट्रैक्टर ना आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जब ये आगे बढ़ाएंगे ना तो कम बढ़ेगा नहीं इतनी आसानी से, अभी तो इसका पूरा लोड उस पर है, ये थोड़ी देर में उठ जाएगा, ये हुक पे से जो है ट्रोला ऊपर आ जाएगा। अभी जो जो ट्रोला की देखो उठ गया, देखो उठ गया, उठ गया, इसके अंदर जो हिच है ना इसकी देखो भाई कहाँ पर रखी, देखो देखो, अब ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ेगा कैसे भी क्योंकि टायरों पर जोर ही नहीं है बिल्कुल, अब टायरों के अंदर बिल्कुल जोर नहीं है इसके क्योंकि जो इसकी हिच पे जो है ना वो ऊपर आ चुका ऊपर, ये देख लो आप। और ये क्या हो रहा है देखो, जब तक ये जो ट्रोला जो है ना इसका ट्रोला का जो हुक है वो उस पर धर नहीं जाएगा, हुक पे ट्रैक्टर के पे जब तक ये जो है नहीं बढ़ेगा आगे। झटके पटको से ही कर सकते हैं काम, और तो कोई काम है नहीं इसका। देखो भाई टायर कितने गड़ते जा रहे हैं इसके, यही एक तरीका है आगे पीछे करने का। देखो भाई ट्रैक्टर छल्ले भी बना रहा है छोटे मोटे क्योंकि इसके अंदर जो है साइलेंसर नहीं है, सीधे होगा साइलेंसर है, देखा छल्ले से निकला है देखो, तो छल्ले मतलब गोल गोल होकर छल्ले निकल रहे हैं साइलेंसर में से क्योंकि लोड पड़ रहा है और जब काला धुआं निकलता है तो छल्ले निकलते हैं ऐसे, अगर आपके ट्रैक्टर के अंदर खाली पाइप लगा हुआ है तो सीधे मुँह का। अब देखो भाई हुक पे रख चुका है, अब देखो वो इसका जो ट्रोला है ना वो हुक पे रखा है, अब ट्रैक्टर पे आराम से आगे पीछे हो सकता है ट्रैक्टर, वो क्योंकि टायरों पे जोर आ चुका है पूरा। इस तरीके से भाई पूरा का पूरा जो अपना खाद है वो खल चुका है। इस काम से भाई जो खेती के अंदर हमको बहुत ज़्यादा मतलब आसानी होती है, अच्छा अच्छा जो जो अपनी भाई फसल है वो बहुत अच्छी होती है खेती के अंदर, अगर आप इस तरीके से आप नेचुरल चीज़ों का यूज़ करोगे क्योंकि नेचुरल खाते हैं तो इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भाई ज़्यादातर डीएपी एपी जो है यूज़ कम करते हैं, जैसे खेतों के अंदर आलू में खाद मारते तो वो कम मारते हैं, इसलिए हम ज़्यादा हम जो है इस्तेमाल ऐसी नेचुरल चीज़ें करते हैं, कुदरती चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्टर भाई कितने झटके मारने पड़ रहे हैं पूरा फैलाने के लिए, ये आवाज़ या ट्रैक्टर तोड़ोगे का, धवड़ बढ़ धवड़ बढ़ कितनी तेज तेज कर रहे हैं। हो गया भाई खाली ट्रोला इनका, ट्रैक्टर कर दिया बंद। ये देखो भाई ये बहुत पुराना मॉडल वाला ट्रैक्टर है, मतलब जॉन डियर ओल्ड शेप वाला। और भाई छतरी देखो भाई, ये स्टील की छतरी। देखो भाई सनसेट हो रहा है इधर, और अपना जो भाई साहब का ट्रैक्टर है वो चल दिया भाई। देखो उन्होंने ना स्टील की छतरी लगवा रखी है लोहे टाइप की, मतलब ना तो फटने का डर कुछ, बस पिचक जाएगी सीधी करवा लो, पिचक जाएगी सीधी करवा लो, बेस्ट जुगाड़ है एकदम, एक बार का खर्चा कोई दिक्कत नहीं है। टीन सी लगवा रखी है ऊपर, ये देख लो 53 ने भाई देखो कितना ढेर कर दिया अपने यहाँ पर, एक एरा एक उधर है, एक एरा उधर भी है, 1 2 4 5 6 7 8 पता नहीं कितने हो गए, 2 उधर भी हैं। उन्होंने ये कर दिया, ये बता रहे हैं अलीगढ़ से आते हैं, मतलब हमारे यहाँ से अलीगढ़ 20 से 25 किलोमीटर के अंदर पड़ता है, तो अलीगढ़ से जो है ना ये 2 खेप लगा देते हैं एक दिन के अंदर,